अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। जैसे कि आप सबको पता है कि परसों या फिर पता नहीं कल कब अब ईद है, ये तो आज ही पता चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़े बहुत अपने कपड़े शपड़े भी देख लेते हैं और भी चीज़ें जो अपनी रखनी है ज़रूरी, क्योंकि अब तो ईद के बाद ही वापस आएंगे घर। अच्छा तो ये मेरा कमरा आप देख लें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये सारा कुछ मैंने इसे घर में चाया है, अभी आके इसकी सफाई भी करनी है। और ये छोटे से बस शूज़ों की कलेक्शन मेरी, ये थोड़े बहुत ख़राब हो रहे हैं शूज़ से जो मोती को लेने थे, लेकिन अभी तो ईद की छुट्टियाँ हो गई और दे भी नहीं सकता हूँ मैं अभी शूज़। ये शूज़ मुझे अभी पहनने के लिए मैंने निकाले हैं अपने। अच्छा तो इनको ज़रा साइड पर रख देते हैं हम, और अब कपड़े शपड़ों की तरफ आते हैं। चलो भाई कपड़े भी निकालने हैं अब। ये मेरी अलमारी, और देखता हूँ अब मैं कोई अच्छे से कपड़े भी निकालने हैं। ये देखें भाई, ये मेरी शर्ट निकल गई, तो तीन शर्टें निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। बल्ब इसके ऊपर से एक तो फ्यूज़ हो जाता है बार बार, तीन बार इसको मैंने चेंज किया है, लेकिन बार बार इसको फ्यूज़ होना होता है। ये शर्टें रखती हूँ, बड़े भाई की पैंट है, ये सारा कुछ मेरे बड़े भाई के, सिर्फ बीच में कुछ दो तीन शर्टें होंगी अच्छी अच्छी जो मेरी है, बाकी तो सब अपने भाई का पहन लेता हूँ मैं। ये बैग आप देख सकते हैं, ये ब्लू बैग, इसमें मैं अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रख देता हूँ जिस टाइम जाना होता है। तो अभी बाथरूम में से ब्रश व्रश भी देख लेते हैं। ओए किधर जा रहे हैं, ब्रश भी रख लिया, टूथपेस्ट भी रख लिया, ये जैकेट भी पकड़ लेते हैं, बस बाकी और ज़रूरी चीज़ें तो कुछ नहीं। ये देखें रेडी हो गया मेरा बैग बस, और अभी नीचे जाते हैं भाई से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं अगर वो जागे हुए हो, और उनसे अभी घड़ी भी लेनी है। आप देख सकते हैं अभी भाई तो सो रहे थे, आराम से छुप छुप कर उनके कमरे में गया हूँ और घड़ियों का छापा ले आया हूँ। अभी भाई उठेंगे तो सही गुस्सा आएंगे मुझ पर। ये देखें कल जुड़वा के नए भाई, लेकिन इसको मैं एक दो दिन में ही तोड़ दूँगा इंशाल्लाह। और ये सारी घड़ियाँ रखते तो हम इधर, फिर आराम से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सी अच्छी होगी। अच्छा अब इनमें से मैचिंग की तो यही लग रही है मुझे ऑरेंज, तो रख लेते हैं ये घड़ी। आप देख लें मेरा बचपन, ये मेरी बचपन की तस्वीर, और अब तो मैं और हैंडसम हो गया हूँ। गाइस कल ईद है, पता शाम नज़र आ गए, और अभी मैं ब्रश करने के लिए आया हूँ, अपने गांव भी पहुँच आए थे हम लोग। वाइट वाइट हो गए दांत, सुबह ईद आ गई, ब्रश भी कर लिए मैंने, कहा चलो ब्रश कर लेते हैं। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन बजा है आपने वो भी प्रेस कर देना है। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।